आज हम आपको रिव्यू करके बता रहे हैं मॉस्को कंपनी के प्रीमियम सेगमेंट के लैपटॉप बैग का, मतलब एग्जीक्यूटिव बैग भी अपन इसको कह सकते हैं, जो एक दो दिन के ट्रेवल में भी काम आ जाता है और लैपटॉप टैबलेट भी कैरी कर सकते हैं। तो क्या इसमें मटेरियल यूज है, कैसी इसकी क्वालिटी है, क्या क्या इसमें आपको फीचर्स मिलते हैं, ये हम आपको पूरा डिटेल रिव्यू हम इसका करके बताते हैं। पहले इसको घुमा के दिखा, तो देखिए इसका किस टाइप का इसका डिज़ाइन है, ये पहले आप देख लीजिए। ये देखिए बेल्ट इसके थोड़ा यूनिक टाइप के, ब्रॉड बेल्ट है इसमें, इसका डिज़ाइन थोड़ा सा अल्टीमेट, थोड़ा प्रीमियम डिज़ाइन, एक बोल्ड लुक आपको इसमें मिलेगा। अब इसमें क्या क्या फीचर और क्या मटेरियल यूज़ है, तो मटेरियल के बारे में आप इसको बता देते हैं। ये 1000 डेनियल फैब्रिक का बना हुआ है, ये जो फैब्रिक होता है ना, ये 1000 डेनियल फैब्रिक होता है, जो थोड़ा सा शाइन करता है, मतलब डल फिनिश नहीं आएगी इसमें, थोड़ा शाइनिंग आपको फैब्रिक मिलेगा। यूली कोटिंग इसमें होती है, मतलब ये यूली कोटिंग 1000 डेनियल फैब्रिक कहलाता है, जो मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, ड्यूरेबल काफ़ी अच्छा होता है, थोड़ा शाइन भी करता है ये। जिप की अपन बात कर लें कि कितने कंपार्टमेंट आपको मिलेंगे, तो इसमें 1, 2, 3, 4 पॉकेट आपको, जो मेन कंपार्टमेंट होते हैं, जो जिप क्लोजर बड़े कंपार्टमेंट है, ये आपको मिलेंगे, जिसमें 2 तो मेन कंपार्टमेंट हो गए, फिर एक आगे पॉकेट, फिर उसके आगे एक पॉकेट और। अब ये तो जो ऊपर से पॉकेट दिख रहा है, अब इसकी मेन जो खासियत है वो इसके अंदर से इसमें जो और फीचर्स दे रखे हैं, जो इसका ऑर्गेनाइजर है, छोटी छोटी पॉकेट्स है, इसमें जो स्लॉट्स है, वो इसकी खासियत है। तो अब इसका हम खाली पीस आपको दिखाते हैं, इसको इधर रख, ये देखिए ये इसका खाली पीस है। तो हम इसमें अंदर से किस टाइप का, ये हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो हम इसकी मेन जो है ये पॉकेट खोल के दिखाते हैं, उससे पहले हम इसके जिप के बारे में आपको बताते हैं। इसमें आपको हर पॉकेट में ये मेटेलिक जिपर मिलेगा, जहाँ पर आपको मॉस्को कंपनी की देखिए ये बेजिंग मिलेगी। अच्छा भारी ये पुलर है, मतलब एक नॉर्मल क्वालिटी का पुलर नहीं, अच्छा भारी पुलर है ये, मेटल का है। और जो मेन कंपार्टमेंट है ना ये बड़े बड़े, जैसे हम इस बैग में आपको दिखाते हैं, ये देखिए अब ये जो इसके मेन कंपार्टमेंट है, यहाँ पर आपको हर पॉकेट में डबल पुलर मिलेंगे। ये नॉर्मली हर जो बैग होता है, हर लैपटॉप बैग या हर बैकपैक, उसमें नहीं होता, यहाँ पर आप लॉकेबल पुलर है, यहाँ पर आप लॉक भी लगा सकते हैं। तो जो तीन जो बड़े बड़े कंपार्टमेंट है, यहाँ पर आपको लॉकेबल पुलर मिलते हैं, मतलब डबल पुलर मिलते हैं, तो आप इनमें लॉक भी लगा सकते हैं। और आगे जो ये पॉकेट आएगी, इसमें सिंगल पुलर रहेगा, क्योंकि छोटी पॉकेट है। इसको जब आप ओपन करते हैं, तो इसके अंदर फिर आपको यहाँ पर स्लॉट्स और मिलते हैं, कार्ड्स रखने के लिए, पासपोर्ट रखने के लिए, पावर बैंक या चार्जर रखने के हिसाब से। तो देखिए यहाँ एक ये स्लॉट दे रखा है, एक स्लॉट यहाँ पर दे रखा है, और इतनी इसकी डेप्थ होती है, मतलब अच्छी खासी डेप्थ है कुछ छोटा मोटा सामान रखने के लिए। यहाँ पर ये दे रखा है एक स्लॉट और, तो 3 स्लॉट तो देखिए इसके अंदर हो गए पहली पॉकेट के अंदर, बंद कर इसको। और यहाँ पर आपको रिवर्स जिप भी मिलती है, एक बात और, हाँ ये देखिए आप इसमें आपको मिलेगी यहाँ पर रिवर्स जिप, मतलब ये वाटर प्रूफ इसको और करने के लिए, इससे पानी अंदर नहीं जाए, तो ये जो है ना जिप आपको ऊपर से दिखेगी नहीं, देखिए पूरी उल्टी लगी हुई होती है, इसको अपन रिवर्स जिप भी कहते हैं, थोड़ा वाटर से प्रोटेक्शन करने के लिए होती है ये। अब ये जो एक पहला मेन कंपार्टमेंट है, आपको ये खोल के दिखाते हैं, खोल इसको, ये देखिए बाप, इसके अंदर के आप पॉकेट देखिए, इसमें दे रखी खूब सारी पॉकेट्स। यहाँ पर आपको की होल्डर भी मिलेगा, जैसे आपको अभी चाबी रखते हैं बैग के अंदर तो ढूंढनी पड़ती है, तो यहाँ पर आपको की होल्डर मिल गया, एक यहाँ चेन पॉकेट, एक ये छोटी चेन पॉकेट, यहाँ पर आपको मॉस्को की बेजिंग मिल जाएगी। ये देखिए आप ये जो ऊपर वाली जो पॉकेट है, इसमें आपको इतनी डेप्थ मिल जाती है कुछ सामान रखने के लिए, फिर ये बंद हो जाएगी। और यहाँ पर भी जो आप ये छोटा रनर देखेंगे ना पुलर, ये भी मॉस्को कंपनी की बेजिंग के साथ आएगा, एम लिखा हुआ इसमें आएगा, मॉस्को कंपनी का जो मोनो होता है वो। और नीचे की तरफ यहाँ आप देखेंगे तो एक पॉकेट जिप वाली और दे रखी, मतलब 3 आपको अंदर जिप पॉकेट मिलेगी, बाकी फिर स्लॉट्स अलग छोटे छोटे मिलेंगे। मतलब ये अपग्रेडेड ऑर्गेनाइजर इसको कहते हैं, ये बेसिक ऑर्गेनाइजर नहीं है, अपग्रेडेड ऑर्गेनाइजर है। खूब सारे आपको इसमें स्लॉट्स मिलेंगे, सब सामान सिस्टमेटिक रखने के लिए अलग अलग पॉकेट दे रखी, तो पॉकेट्स इसमें बहुत अच्छी दे रखी है। अंदर के फैब्रिक की बात करें तो पूरा पॉलिस्टर फैब्रिक का, यहाँ भी मॉस्को कंपनी की बेजिंग आएगी उसके साथ फैब्रिक देगा, अंदर के फैब्रिक का फील भी बहुत अच्छा है यहाँ पर, मतलब आपको फीचर्स अच्छे मिलेंगे, ड्यूरेबिलिटी क्वालिटी इसमें बहुत अच्छी मिलेगी। अब इसके पीछे वाला हम कंपार्टमेंट खोल के दिखाते हैं, इसमें सही में पॉकेट्स बहुत ज़्यादा थी, जो भी हमने पॉकेट्स ये कंपार्टमेंट खोला था ना, इसके अंदर ऑर्गेनाइजर बहुत अच्छा था इसका। ये इसका जो मेन कंपार्टमेंट है, मेन कंपार्टमेंट में यहाँ है कि फाइल फोल्डर रखने के लिए एक यहाँ आपको स्लॉट और मिलता है, थोड़ा बड़ा सा ऐसा नेट का स्लॉट दिया हुआ है, यहाँ फाइल्स रख सकते हैं सेपरेटली। और इतना बड़ा कंपार्टमेंट है, मतलब 2-3 जोड़ी कभी आपको कपड़े रखना हो ट्रैवल के हिसाब से, तो उसमें ये काम आ जाता है। ये इसका मेन कंपार्टमेंट हो गया। फिर इसके पीछे इसमें आता है लैपटॉप कंपार्टमेंट। अब ये है इसका लैपटॉप कंपार्टमेंट, यहाँ पर आप 15-15.5 इंच का लैपटॉप आराम से रख सकते हो। और इसके पीछे जो कुशनिंग करी हुई ना, ये बहुत अच्छी कुशन आप लैपटॉप को सेफ रखने के हिसाब से, इसकी जो ये लैपटॉप का होल्डर है काफ़ी अच्छा इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर टैबलेट का भी स्लॉट आएगा लैपटॉप के जस्ट आगे, आप इसमें टैबलेट भी कैरी कर सकते हैं, और उसको होल्ड करने के लिए यहाँ पर क्लिप आएगा, जिससे आप लैपटॉप और टैबलेट को होल्ड कर सकते हैं।
इस टाइप का, और इसमें यहाँ पर आपको स्पेस थोड़ी सी कम मिलेगी। कुछ और सामान आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं, पर ज़्यादा स्पेस ब्रॉडनेस आपको इस कंपार्टमेंट में नहीं मिलेगी क्योंकि इसमें कुशन ज़्यादा दे रखा है। तो लैपटॉप, टैबलेट और कुछ छोटा मोटा सामान इस कंपार्टमेंट में आपका कैरी हो जाएगा। और फिर यहाँ भी डबल पुलर हर पॉकेट में आएंगे, लॉक हो जाएंगे। बंद कर इसको। अब फिर है इसमें एक साइड पॉकेट, ये देखिए आप, ये साइड पॉकेट बहुत काम आती है। ये जैसे ईयरफोन रखना हो, चार्जर रखना हो, या कुछ भी जो बहुत ज़्यादा रेगुलर कुछ चीज़ निकालने हो तो उसके लिए काम आती है साइड पॉकेट। अब इस पॉकेट के अंदर देखिए, फिर आप दो स्लॉट और दे रखें कुछ सेपरेट रखना हो अलग अलग, तो छोटी पॉकेट इसमें यहाँ पर और दे रखी। मतलब ये बहुत फीचर्स इसमें बहुत अच्छे दे रखे हैं, छोटी छोटी पॉकेट, स्लॉट्स बहुत अच्छा इसमें दे रखा है, सब यूज़ आती है ये। ये देखिए फिर इस टाइप से ये बंद भी हो जाएगी, बंद कर दो। यहाँ पर भी रिवर्स जिप आपको मिलेगा। पीछे अपन से कुशन की बात करें तो कुशन काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। कुशन हो सकता है थोड़ा इससे और भी अच्छा हो सकता था, थोड़ा और टाइटनेस या 10-12 mm का कुशन और हो सकता था, पर फिर भी इसका कुशन ही अच्छा है। मतलब दिखने में भी अच्छा है, कंफर्टनेस भी आपको अच्छी मिलती है, थोड़ा और अपग्रेड हो सकता था। अभी बेल्ट की जो बात है ना, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ही अलग है। थोड़ा वाइड इसके बेल्ट होते हैं, पूरे शोल्डर पर अच्छे खासे आ जाते हैं, स्पेशली मेंस पे, जेंट्स पे ज़्यादा अच्छा लगता है वाला लैपटॉप बैग। यहाँ पर आपको चेस्ट बेल्ट भी इसके साथ मिलेगा। ये चेस्ट पे मतलब आगे की तरफ पूरा बैग लॉक हो जाएगा, इससे क्या होता है वेट पूरे बैग का डिवाइड हो जाता है इसमें। तो इस टाइप के बेल्ट इसमें रहते हैं। इस तरफ आपको बोतल होल्डर भी मिलेगा यहाँ पर बोतल कैरी करने के लिए। थोड़ा सा लूज़ दे रखा है, मतलब टाइट नहीं है, ये पहले से लूज़ है जिससे आप इसमें बड़ी बोतल भी रख सकते हैं। छोटी बोतल अगर आप रखेंगे तो हो सकता है थोड़ी लूज़ रहे, क्योंकि थोड़ा लूज़ दे रखा है बड़ी बोतल रखने के हिसाब से। और यहाँ पर आएगा ऊपर से इसको कैरी करने के लिए एक हैंडल, जो नॉर्मल अपन हैंड में इस टाइप से कैरी करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर फॉर्म की इसमें फिनिश दे रखी है। इस फॉर्म की जगह इस हैंडल को ऊपर थोड़ा सा ये और अच्छा कर सकते थे, पर फिर भी ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छा किया जा सकता था। यहाँ पर आपको पूरा कुशनिंग मिलेगी, सॉफ्ट कुशनिंग, ग्रिप इससे बहुत अच्छी आती है। यहाँ पर इसको पकड़ने में काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल लगेगा ये बैग। और आगे जो यहाँ पर आपको मॉस्को की बेजिंग भी इसमें मिल जाएगी, इस जगह पर काफ़ी अच्छा इसका इस टाइप का कुछ डिज़ाइनिंग है, ये आप देख लीजिए। तो अच्छा खासा ये फीचर लोडेड बैग है, रख इसको इधर। इस टाइप का बैग दिखता है पूरा भराने के बाद। इसमें अब आपको इसमें रेन कवर भी है, हाँ हम इसी चीज़ भूल गए थे, इसको नीचे कर उल्टा। यहाँ देखिए आप, इसमें आपको नीचे की तरफ एक तो लग्स मिल जाते हैं, जिससे कभी बार बार नीचे रखने में बैग घिसाए नहीं, कुछ हो नहीं, लग्स आपको मिल जाएंगे। और फिर नीचे रेन कवर भी आएगा, रेन कवर निकाल के दिखा इसका। ये पूरा कंपनी का ओरिजिनल इसमें ब्रांडिंग करी हुई आएगी, और कंपनी का ये ओरिजिनल रेन कवर है। मतलब ऐसा जो 500-600 रुपए के बैग में रेन कवर आते हैं ना, वो सब नकली रेन कवर होते हैं, किसी काम के नहीं होते हैं। आपको बारिश में लेके निकल जाएंगे तो बैग पूरा गीला हो जाएगा। ये ओरिजिनल रेन कवर होता है जो इस बैग के साथ दिया हुआ है। ये इस तरीके से पूरा पहना जाता है, एक बार पहना के बता दें बैग के ऊपर। ये पूरे बैग के ऊपर इस टाइप से आ जाएगा। ये जब बैग पूरा सही से भरा हुआ होता है ना, तो बहुत अच्छे से इसमें फिट हो जाता है। पूरा बड़ा साइज का रेन कवर ये दिया हुआ है, तो बैग आपका ये बारिश में अच्छा खासा इससे सेफ हो जाएगा। मतलब बारिश में भी अगर आप ट्रेवल करेंगे तो भी पानी फिर इससे अंदर नहीं जाता रेन कवर लगाने के बाद। मतलब पानी से अच्छी खासी इसमें सेफ्टी दे रखी है। तो ये रेन कवर भी इसके साथ आएगा, निकाल इसको। मास्को की यहाँ पर भी आपको पूरी ब्रांडिंग मिलेगी। मतलब प्रीमियम सेगमेंट का लैपटॉप बैग है ये। तो इसका प्राइस के बारे में बताते हैं, ये हम जो सेल करते हैं ये 2350 में इसको सेल करते हैं। तो इस प्राइस में ये हम कह सकते हैं कि आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं, क्योंकि कंपैरेटिवली जो फीचर्स, जो क्वालिटी, जो बोल्डनेस ये आपको दे रहा है, तो इस प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा है ये बैग। आप इसके लिए ज़रूर जा सकते हैं। आपको अगर ये परचेस करना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं।